पांच राज्यों में चुनाव से पहले पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक, तीनों कृषि कानून लिए वापस। पीएम मोदी ने कहा, हमारी नीयत साफ थी लेकिन शायद कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए। पीएम मोदी ने गिनाई किसानों के फेवर में लिए गए बड़े फैसलों की लिस्ट, किसान कल्याण को बताया सरकार की पहली प्राथमिकता। पीएम मोदी ने कहा, हमारी तपस्या में रही होगी कोई कमी, जो कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं। सरकार इस महीने शुरू हो रहे संसद सत्र में तीनों किसान कानूनों को रद्द कराने की कानूनी कार्रवाई करेगी पूरी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फैसले का स्वागत किया, कृषि कानूनों को लेकर हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, एमएसपी सहित किसानों के दूसरे मुद्दों पर सरकार कमेटी बनाकर फैसला लेगी। गृहमंत्री शाह ने फैसले का स्वागत किया, बोले पीएम ने कुशल राजनेता की तरह कदम उठाया, सरकार लगातार किसानों की सेवा करती रहेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, इस फैसले से भाईचारा बढ़ेगा, एकता मजबूत होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बोले, पीएम ने किसानों के हित में लिया बड़ा फैसला। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, संसद में कृषि कानूनों के रद्द होने का इंतजार करेंगे, आंदोलन अभी वापस नहीं होगा। राकेश टिकैत बोले, सरकार एमएसपी पर गारंटी कानून बनाए, बीज कानून पर फैसले का इंतजार है। नरेश टिकैत ने कहा, पीएम मोदी को फैसले लेने में एक साल लग गए, जो भी फैसला हो इस पर बात होनी चाहिए। किसान नेता हन्नान मौला बोले, 26 नवंबर को सड़कों पर उतारेंगे 1,00,000 किसान, एमएसपी के लिए जारी रहेगा हमारा आंदोलन। किसान नेता दर्शन पाल सिंह बोले, आंदोलन जारी रहेगा, बैठक में आगे की रणनीति तय करेंगे। तीनों कृषि कानूनों की वापसी को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताया ऐतिहासिक फैसला, मोदी ने दिखाया बड़ा दिल, अब घर लौटे किसान। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, पीएम भरोसा दे रहे हैं तो किसान उनकी बात माने, किसानों की कोई और मांगे हो तो कमेटी बनाई जाए। तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद कांग्रेस का ऐलान, शनिवार को देश भर में किसान विजय दिवस मनाएगी कांग्रेस। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, आज सत्य न्याय और अहिंसा की जीत हुई, उन्होंने कहा किसानों का बलिदान रंग लाया। राहुल गांधी ने आंदोलन के दौरान शहीद किसानों को याद किया, ट्विटर पर लिखा, जीत उनकी जो घर लौट कर न आए, हार उनकी जो अन्नदाताओं को बचा न पाए। राहुल गांधी ने कृषि कानून वापस लेने के फैसले को बताया अन्याय के खिलाफ जीत, कहा देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार को झुका दिया। पीएम के फैसले पर प्रियंका का सवाल, कहा नियत पर विश्वास करना मुश्किल, चुनाव में हार दिखने लगी तो देश की सच्चाई समझ आई। प्रियंका गांधी ने कहा, किसानों को आंदोलनजीवी और देशद्रोही कहा गया, प्रधानमंत्री एक बार फिर से किसानों से मिलने नहीं गए। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का मोदी सरकार पर हमला, का अहंकार हारा, संघर्ष जीता। कांग्रेस की केंद्र सरकार से पांच सवाल, किसानों की आय दोगुनी करने का रास्ता क्या है, सरकार बताए एमएसपी का रोड मैप क्या है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का तंज, चुनाव में वोट के लिए हो रहा है दिखावा, जनता माफ नहीं करेगी, यूपी चुनाव में साफ करेगी। अखिलेश यादव ने कृषि कानूनों की वापसी को अहंकार की हार बताया, ये किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की सरकार से मांग, शहीद किसानों को आर्थिक मदद और नौकरी दे सरकार। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा, यूपी और पंजाब चुनाव को देखते हुए लिया गया फैसला, किसानों के संघर्ष से कृषि कानून वापस हुए। शरद पवार का आरोप, मोदी सरकार ने बिना चर्चा के तीनों कृषि कानूनों को लागू किया था। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का निशाना, मोदी के अहंकार ने 700 किसानों की जान ली, सड़क पर उतरी जनता तो डरी सरकार। ओवैसी बोले, बीजेपी को पांच राज्यों में अपनी हार दिख रही थी, हार से बचने के लिए बीजेपी ने लिया फैसला। असदुद्दीन ओवैसी का दावा, कहा वो दिन भी दूर नहीं जब मोदी सरकार सीएए का कानून भी वापस लेगी। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, पीएम ने अपनी गलती स्वीकार की, नया अध्याय शुरू होने पर पंजाब को उन्हें माफ कर देना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ का दावा, सरकार ने किसानों से हर स्तर पर बात की पर उन्होंने समझाने में विफल रहे। हरियाणा के सीएम खट्टर ने कहा, पीएम मोदी ने दिखाया बड़ा मन, किसानों के हित में थे तीनों कृषि कानून। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का बयान, बीजेपी किसानों के लिए समर्पित, इन कानूनों को किसान नहीं चाहते थे इसीलिए फैसला वापस लिया। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा बोले, देर से ही सही, दुरुस्त आए पीएम, किसानों को दी बधाई। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों से आंदोलन खत्म करने को कहा, बोले पीएम मोदी के फैसले का स्वागत करें सभी किसान। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई बोले, कांग्रेस न मनाए अपनी जीत, किसानों ने अपना आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जोड़ा। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने फैसले को सही बताया, कहा पंजाब के किसानों के संघर्ष की जीत हुई, जानमाल के नुकसान का मुआवजा भी दे केंद्र। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा का केंद्र सरकार पर तंज, कहा अगर कानून अच्छे थे तो वापस क्यों लिए, या चुनाव की वजह से फैसला वापस लेना पड़ा। सीएम ममता बनर्जी ने कृषि कानूनों की वापसी को किसानों की जीत बताया, बोली हर किसान को मेरी बधाई। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बयान, बोले आज का दिन इतिहास में दर्ज होगा, 26 जनवरी 15 अगस्त की तरह लिखा जाएगा। केजरीवाल ने कहा, जनता के सामने किसी नेता का अहंकार नहीं चला, किसानों के आंदोलन के सामने केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। पीएम के फैसले को सीएम नीतीश ने बताया सही, कहा देश के बारे में सोचकर लिया फैसला, बिहार में कृषि कानूनों को लेकर कोई असंतोष नहीं। आरजेडी प्रमुख लालू यादव का केंद्र सरकार पर हमला, कहा 750 किसानों की
शहादत के बाद लिया फैसला, चुनाव में जनता बीजेपी के खिलाफ करेगी वोट। राजस्थान के सीएम गहलोत का तंज, पीएम मोदी ने मजबूर होकर फैसला वापस लिया, सरकार किसानों की बात समझ नहीं पाई। नवीन पटनायक ने किसानों और देश के हित में बताया फैसला, लंबे समय से इस फैसले का था इंतजार। अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल ने कहा, प्रकाश पर्व पर परमात्मा की कृपा बरसी, किसानों का संघर्ष सफल रहा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।